तो बिग बैश लीग में कल को जो जासमा मुकाबला खेला जाना उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी ड्रीम इलेवन टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम इलेवन टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की, सारा कुछ लिख रहे हैं आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये मुकाबला खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर टीम के बीच, और ये मुकाबला 23 जनवरी को यानी कि कल को दी गाबा ब्रिस्बेन स्टेडियम में खेला जाएगा, और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार दोपहर 1:40 में शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे बिग बैच लीग 2019 सीजन के यानी कि सीजन के 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की तो यहां पर तेज गेंदबाजों ने 35 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 14.57, इकॉनमी रेट 8.28, स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर 20 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 18.6, इकॉनमी रेट 6.74। यहां पर अगर देखें तो विकेटें ज्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने, स्ट्राइक रेट के मामले में भी तेज गेंदबाज बहुत आगे हैं और इकॉनमी रेट के मामले में अगर देखा जाए तो वहां पर स्पिनर गेंदबाज बेहतर है। ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहां पर एवरेज स्कोर है 152 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 172 रन, सबसे कम स्कोर बना 110 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 126 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 164 रन। और अगर बात करें पावर प्ले के आंकड़ों की तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 50 रन 18 विकेट गिरे हैं, तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पे पावर प्ले में रन तो बनते हैं लेकिन उसके साथ में विकेट भी बहुत गिरते हैं। और अगर बात करें बाउंड्रीज के बारे में तो यहां पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 64 यार्ड की है और साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 64 यार्ड की है। और अब बात करते हैं मौसम के बारे में तो मैच के दिन मौसम रहेगा 31 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक क्लाउडी रहेगा और 20% बारिश होने की शंका है। और अब बात करते हैं टीम्स के बारे में तो ब्रिस्बेन ही टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पे है, उसने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं। वहीं दूसरी ओर सिडनी सिक्सर टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पे है, उसने 12 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और इन दोनों टीमों के बीच बिग बैश लीग 2019 सीजन में 1 मुकाबला खेला जा चुका है और उस मुकाबले में ब्रिस्बेन ही टीम को जीत मिली थी। और अब आपको दिखाते हैं ब्रिस्बेन ही टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं क्रिसलिन है कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं सिडनी सिक्सर टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं मोजिक हेनरिकेज है कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज क्रिसलिन 332 रन, जॉर्ज फिलप्लाइन 288 रन, मोजिक हेनरिकेज 238 रन। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज टॉम कुरन 17 विकेट, बैन लॉगिंग 13 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर मोजिक हेनरिकेज, इनका स्ट्राइक रेट है 158.67। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम इलेवन टीम के लिए। और अब हमारी हमारी प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है ये मुकाबला ब्रिस्बेन ही टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।